तो मेरा जैसे कि ये देख सकते हैं ये 8 महीने का, मैं तो कहूँगा मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट और उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी मेरे। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आज मुझे अपनी हेयर लाइन को देख के और कड़ी और डेंसिटी को देख के बहुत खुशी महसूस। नमस्कार, आमी डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज की आमी अपना जन्य एकटा नतून वीडियो निये एसेछि, सेई वीडियो मध्य आमी आज के रिजल्ट दिखाते चाहिए कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कैमन की रिजल्ट है, लोग जने की रिव्यूज आछे, की ओ एखाने एक्सपीरियंस करेछे, एतो दिन जेटा हो गेछे तादेर किन्तु की भावे रिजल्ट इसछे, और जे रिजल्ट इसछे एखाने जे रिलेशनशिप और एखानकार जे परिवेश और एखानकार निये जे ओरा माने खूब भालो ओदेरके जे लगेछे तारा किन्तु निजेर मुखे सब किछु बोलते चाइछे। देखुन लोक जदि खुशी होबे तालेई किन्तु बोलबे कि आमरा खुशी आछि। आपनी ए भद्रलोके कथा सुनुन और तारपरे आमार संगे आपनी जुक्त हन। देखुन आपनी ए भद्रलोके, तो जैसे कि मैंने यहाँ आके सही डिसीजन लिया है, क्योंकि जो सर यहाँ के जो डॉक्टर सर है वो बहुत ही अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और यहाँ के स्टाफ भी बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। तो जैसा कि आपको बिजी रखेंगे हेयर ट्रांसप्लांट करने के समय, आपको पता नहीं चलने देंगे कि सुई चुभ रही है या नहीं, और यहाँ आपके कंफर्ट लेवल का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाता है। तो आप ऐसा कोई चिंता ना करें कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा या पेन होगा, सबको है FUT में यही चिंता रहती है कि बहुत ज़्यादा दर्द होगा या सूजन होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और सभी स्टाफ्स बहुत ही आपके फ्रेंडली होंगे, तो इसलिए दर्द वगैरह का कोई चिंता ना करें। और जैसे कि होता है कि आपको फिनास्टाइड और मिनोक्सिडिल लगाना पड़ता है, तो FUT के बाद आप लगा भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं, लेकिन FUE में आपको लगाना होगा, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो रिजल्ट जैसे देखना चालू होता है ऐसे रिजल्ट आने में लगभग से 4 महीने लग जाते हैं, उससे पहले हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 महीने के बाद सेडिंग फेज में जो लगाए गए ग्राफ्ट है वो सभी झड़ जाते हैं। तो 4 महीने में पतले पतले बाल आना शुरू होते हैं, तो बाल पूरी तरह आने में लगभग से 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने से आपको मोटा मोटे ग्राफ्ट देखना चालू होंगे, तो 6 महीने के बाद जो 10 महीने तक का टाइम होता है उसमें आपके हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा बूस्ट आता है। जैसे कि आप ये मेरे 8 महीने का देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं बाल, तो 6 से 10 महीने तक बहुत ज़्यादा बूस्ट आते हैं। उसके बाद भी बाल बढ़ते रहते हैं, थोड़े थोड़े जो अंदर रह जाते हैं जो स्लो बढ़ते हैं, उसके बाद 10 महीने के बाद बढ़ना शुरू होते हैं, लगभग से आपके 12 से 18 महीने तक लग जाते हैं एक हेयर ट्रांसप्लांट के पूरे तरह बाल आने में। उसके बाद आप कह सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हुआ या नहीं, लेकिन आपको देखने मिल जाएगा रिजल्ट 6 महीने से। तो 6 महीने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट आपका सक्सेसफुल हुआ या फेलियर हुआ। तो मेरा जैसे कि ये देख सकते हैं ये 8 महीने का, मैं तो कहूँगा मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट और उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी मेरे। लगभग सर पे 4000 ग्राफ लगे थे। मेरा नाम समीर है और मैं आप सबके सामने अपने हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि 5 साल पहले मेरा हेयर फॉल शुरू हो गया था और मैंने इसके लिए काफ़ी सारे क्लिनिक को विजिट भी किया, मैंने काफ़ी जगह सर्च किया, यूट्यूब में भी सर्च किया, लेकिन मैं 2-3 जगह क्लिनिक में विजिट के लिए गया, लेकिन मैं वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे मन में जो क्यूरीज थे और जो मैं चाहता था लेकिन उस तरह से वो मुझे समझा नहीं पाते थे। और फाइनली मैंने YouTube के जरिए डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी सर के बारे में पता चला, तो मैं उसके क्लिनिक विजिट के लिए आया। और यहाँ पे डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी सर ने हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसेस के बारे में बताया, मेथड के बारे में बताया, FUT और FUE उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया दोनों ही प्रोसेस के बारे में। और फाइनली मेरे हेयर ट्रांसप्लांट की डेट फिक्स हुई और करीब 1 हफ्ते बाद मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और हेयर ट्रांसप्लांट करवाया यहाँ पे। और सर के जो जितने भी स्टाफ थे वो बहुत ही फैमिलियर, उसके बिहेवियर बहुत ही फैमिलियर थे। और सर का जो OT सेटअप है मैंने यहाँ पे देखा, OT सेटअप बहुत ही अच्छा था, और कोई अगर प्रॉब्लम भी अगर हो जाती तो सर के यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध थी। और उसके बाद मैंने OT सेटअप पे सर ने मुझे ले गया, और ले जाने के बाद वहाँ पे सर ने हर छोटी छोटी चीज़ों के बारीकी से ध्यान रखा, हर हमेशा पूछता रहता था जो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ये तो समस्या तो नहीं है। तो वहाँ पे सर ले गया और मुझे उससे पहले मुझे बहुत ही घबराहट होने लगी थी हेयर ट्रांसप्लांट से पहले,
पता नहीं कैसे होता है, क्योंकि मैं अक्सर यूट्यूब में देखता रहता था चीर फार होता रहता है ऐसे वैसे, तो मैंने सब पता नहीं क्या होना क्या होगा। और उसके बाद सर ने मुझे अपने सर पे इंसुलिन की सुइयां जब दी गई, तब मुझे हल्की हल्की सी जलन होने लगी थी, हल्की हल्की सी जलन हो रही थी, ऐसा लग रहा था चींटी काट रहा है। और उसके बाद सर ने मुझे ले गया, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जो पीछे से जो ग्राफ्ट लिए जा रहे थे, और वो पीछे से मतलब ग्राफ्ट लेके आगे में जो पंच किए जा रहे थे, उससे मतलब दर्द का एहसास हो ही नहीं रहा था, बिल्कुल फर्क ही लग ही नहीं रहा था जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। जब इंसुलिन की जब सुइयां जब दी जा रही थी, तभी से थोड़ा थोड़ा जलन हो रहा था। और उसके बाद सर अक्सर पूछते रहते, उसी दौरान पूछते रहते थे जो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वो नहीं है, तो सर बहुत छोटी छोटी चीज़ों की अच्छी तरह से केयर किया। और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के हाफ टाइम के बाद फिर मैंने यहाँ पे सर ने यहाँ पे लंच करवाया, लंच करवाने के बाद कुछ देर रेस्ट के बाद मैं फिर दोबारा ओटी पे गया। उसके बाद फिर मेरा करीब 4.25 घंटे तक मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं कुछ देर रेस्ट करने के बाद फिर गया सर के वहाँ पे, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर सर से मिलके फिर मैं अपना घर गया। और घर जाने के बाद मैं दूसरे दिन मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद मुझे में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ड्यूटी मैं रेगुलर उसके बेस पे करता रहता था और मुझे उससे कोई परेशानी नहीं हुई। उसके बाद सर ने मुझे 1 हफ्ते बाद आने के लिए कहा था हेयर वॉश के लिए, तो मैं 1 हफ्ते बाद आया यहाँ पे, हेयर वॉश किया। हेयर वॉश करने के बाद सर ने मुझे बोला 1 महीने बाद PRP के लिए आना, तो मेरे पास टाइम नहीं हो पा रहा था, मैं आ नहीं पाया, तो करीब आज 2.5 महीने हो गए हैं। और फिर मैं अपने PRP के लिए आ जाया, और इस दौरान मेरे ढाई हेयर की ग्रोथ इतनी अच्छी रही, करीब मान के चलिए 3-3.5 महीने हो गए हैं, लेकिन आज हेयर इतनी अच्छी लग रही है मुझे, और हेयर लाइन भी इतनी मस्त अच्छी बनी है, बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। जब मैं हमें और इससे पहले मैं हमेशा कैप के बिना चल ही नहीं पाता था, लोगों के सामने में जाता था तो बिल्कुल अजीब सा फील होने लगता था। और उसके बाद मैंने 3 महीने करीब हुए तो नहीं है, ये 9 तारीख आएंगे तो 3 महीने हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है आज मुझे अपनी हेयर लाइन को देख के और करीब और डेंसिटी को देख के बहुत खुशी महसूस हो रही है, और बहुत ही अच्छा रहा जर्नी हेयर सर के साथ यहाँ पे मेरा। দেখুন এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে সমীর, আজকে 2.5 মাসে বেশি হয়ে গেছে ও আমাদের এখান থেকে FUE হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করিয়ে নিয়েছে। FUE হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করার বাদে ও আমাকে এসে নিজের বলল কি দেখুন ডাক্তারবাবু আমার তো রেজাল্ট খুবই ভালো এসছে আর আমি খুবই খুশি আছি। আমি এই যে সামনে সিসায়ের মধ্যে যে মিররের মধ্যে সামনে দাঁড়িয়ে সব সময় আপনাকে দেখতে থাকতাম, কিন্তু এখন আমি যাই কিন্তু দেখেই আমি নিজেরকে দেখে খুব খুশি হয়ে যাই, আর আমার মনে হয় কি আমি নিজের জীবনটা ফিরে পেয়েছি। তো আমি বললাম খুবই ভালো হয়েছে, আপনি খুব খুশি, তাহলে আমরাও খুব খুশি, আমাদের ক্লিনিকে সব লোক খুব খুশি। তো বলো ডাক্তারবাবু আমি কিন্তু এই ইন্টারভিউ দিতে চাই, লোকজন যেতে ভয় পায়, তারা যারা বুঝতে পারে না কি রেজাল্ট কেমন হয় আর কি সমস্যা হয় কি হয় না, তাদের জন্য আমি কিন্তু ইন্টারভিউ দিই। ও নিজের থেকে আমাকে এসে বলছে কি আমি এটা দেব। আপনি ওর সব কথা শুনলেন ভালো করে, আর ও যা বলেছে কি ও যে নিজের জীবনটা ফিরে পেয়েছে। দেখুন একটা ভদ্রলোক যে নিজের জীবন ফিরে পায়, আর ওদের মধ্যে আপনি একটা কথা খুবই ভালো করে বুঝুন, যে রেজাল্ট আছে যদি আমি আগেরটা ছবি আর পরেরটা ছবি, যদি দুটো ছবি দুটো ফটোগ্রাফস প্রি অপারেটিভ আর পোস্ট অপারেটিভ যদি রেখে আপনাকে দেখাবো, তাহলে কিন্তু ও তো আমার মনে হচ্ছে কি আপনি ও তো বুঝতে পারবেন না, হ্যাঁ বুঝতেও পারবেন কিন্তু লিমিটেড। একটা ভদ্রলোক যাদের সার্জারি হয়েছে আপনি সার্জারি ফুটেজ দেখুন, ওর প্রি অপারেটিভ যেটা মানে অপারেশনে আগে যে পিকচার্সগুলো আছে আর ওদের ছবিগুলো আছে সেটা আপনি দেখুন, আর এখন উপস্থিত ওই যে 2.5 মাসে বেশি 2.5-3 মাস হয়ে গেছে তাদের একটা ছবি আর যে আপনি ভিডিও দেখেছেন, আপনি নিজের একটা দেখতে পারেন, একটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস হচ্ছে আর একটা হচ্ছে এই ইমেজ দ্বারা প্রডিউস কিয়া হওয়া রেজাল্ট, দুটোই মধ্যে এতই তফাত থাকে। একটা যে ডাইনামিক সিস্টেম মানে ভিডিও এর মধ্যে যে আপনাকে বলে যাচ্ছে সেটা কিন্তু সবসময়ই অনেক বেশি ওয়েটেজ থাকে, আর যে ছবিগুলো দেখানো হয় তাদের কিন্তু ওয়েটেজ সবসময় কম থাকে। ছবির মধ্যে আপনি লিমিটেড জিনিসটা বুঝতে পারবেন, কিন্তু আপনি ভিডিওর মধ্যে আর ওর মানে বারিক জিনিসটাও বুঝতে পারবেন,
আর কত খুশি কি না, কত ওর জার্নি এর মধ্যে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না, ওরা সবকিছু আপনি বুঝতে পারবেন। এর ভদ্রলোকে FUE হয়েছিল, নিজের জীবন ফিরে পেয়েছে। আমরা আশা করি আরও যে লোক ভদ্রলোক যে করাচ্ছে, যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করাচ্ছে, তাদের জীবনে কিন্তু ওই জিনিসটা ফিরে পায়। আপনার জীবনটা খুব মঙ্গলময় হোক, শুভ নমস্কার।